हेलो दोस्तों, तो फाइनली अपने आप पहुँचे हैं रंग महल थेहड़ में, जहाँ पर प्राचीन समय में खुदाई हुई थी। लगभग ये हुई थी 1958 डॉक्टर हन्नारीड के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। ये जगह है रंग महल, जो कि राजस्थान के गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ तहसील के पास एक गांव है गग्गर नदी के किनारे। जो नदी है यहाँ के नज़दीक है नदी, और यहाँ पर हम आप पहुँचे हैं। सर्वप्रथम जैसे हम बात करें अगर हिस्ट्री में जाए, तो जो कालीबंगा है, जो फेमस जगह है कालीबंगा, पुरातन सभ्यता जहाँ पर निकली है, उससे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी। सबसे पहले यही हुई थी, थेहड़ खोजे गए थे और यहाँ पर खुदाई हुई थी। यहाँ पर भगवान कृष्ण की और नरसिम्हा की जैसे मूर्तियाँ निकली हुई है। तो ये बहुत प्राचीन जगह है सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण भी, और थेहड़ बने हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े, आप देख सकते हो यहाँ पर। और सर्च कर रहे हैं भाई, भाभी, मम्मी और कोमल, क्या है कि क्या मिलता है, कैसे लोग रहे होंगे यहाँ पर। और मेरे को तो लगता है ये जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इसको राजस्थानी में अपने जैसे देहात भाषा में अपने इसको ठीकरा बोलते हैं, ठीकरा। तो ये ठीकरे ये कह रहे हैं कि हम भी कभी इंसान थे। आज से हजारों साल पहले यहाँ पर जन रहे होंगे, लोग रहे होंगे, रहे होंगे क्या ये बता रहे हैं, रहते ही थे, जो कि आज नहीं है किसी वजह से, बस बचा है तो ये थेहड़ है। और पता नहीं कितने इसके अंदर साक्ष्य है, कितने लोग इसके अंदर दबे हुए हैं, क्या क्या इनके अंदर दबा हुआ है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे एक गांव बसा हुआ था, जैसे आप देख सकते हो, बस एक बना हुआ है, तो एक स्पॉट है, सेल्फी स्पॉट है, फोटो स्पॉट, जहाँ पर आकर सब फोटो खींचते हैं। मम्मी देख रही है यहाँ पर, कुछ सर्च कर रही है। ये कोमल भी कर रही है, भाई फोटो ले रहा है। और अच्छी जगह है, संरक्षित जगह है ये, पर अच्छा बात ये, अच्छी बात ये है कि इनको इसका संरक्षण हो रखा है। बाहर है ये इंडिया आर्कियोलॉजी ऑफ साइट का ये इसका बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर, तो ये संरक्षण इसको दे रखा है, सरकार का संरक्षण है इस जगह को, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पर लोग मैंने देखे हैं कि इसको ये कब्ज़ा कर रखा है लोगों ने, तो जो गलत बात है, इसको संरक्षण दे रखा है, एक नाम दे रखा है, तो वो कि वो अच्छी बात है। कम से कम थोड़ा बहुत डर है, जिसके कारण यहाँ पर लोग कब्ज़ा नहीं कर रहे। तो ये थी, देख सकते हो आप, प्राचीन जगह रंग महल है। थोड़ी सी हिस्ट्री और बता दूं मैं आपको कि कितना ये प्राचीन है ये जगह। तो बात करें अपने ऋग्वेद की, जो कि हमारा प्राचीन सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे पहले वही लिखा गया था। तो उसकी मैं बात करूं तो ये जो पहला वेद है ऋग्वेद है, वो इसी नदी के किनारे, सरस्वती नदी थी उस समय, तो ये आज जो गग्गर बन चुकी है, ये सरस्वती नदी के किनारे वो लिखा गया था। तो आप सोच सकते हो कि इन्हीं गांवों में, इन्हीं जगहों पे वो कहीं ना कहीं वेद लिखा गया था। तो वो अब आप सोच सकते हो कि ये कितना प्राचीन, ये थेहड़ ये कितने प्राचीन ये जगह रही होगी, जो कि मैं अभी खड़ा हूँ। बचे हैं तो यहाँ पर बसे ठीकरे। आप भी कभी आओ तो बहुत अच्छी जगह है, देख के ज़रूर जाना इस जगह को। ईंटें वगैरह निकली है यहाँ पे, घर जैसे बने हुए हैं यहाँ पर, नींव जैसे कई जगहों पे पता चलता है। तो फाइनली हमने ये जगह विजिट कर ली है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन चीज़ों को संरक्षण की ज़रूरत है, और संरक्षण तभी मिलेगा जब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर भी कोई चीज़ है। क्योंकि हम देखें इतिहास में पढ़ते हैं तो एक नाम आता है कालीबंगा, इसका नाम रंगमहल का नाम बहुत कम आता है, कम जगह आता है। तो अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि रंगमहल में भी कोई थेहड़ निकली है या कोई चीज़ें निकली हुई है। तो निवेदन है आपसे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।